क्या छत्तीसगढ़ अब अपराध गढ़ बन गया है? क्योंकि नई सरकार को सत्ता संभाले 9 महीने पूरे हुए हैं और इन 9 महीनों में 9 ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इन 9 महीनों में सूबे की महिलाएं 3000 से ज्यादा गंभीर अपराधों की शिकार हुई हैं, जिन पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने अपराधों के खिलाफ न्याय यात्रा भी निकाली है। बलौदाबाजार, लोहारीडीह और सूरजपुर की घटनाओं ने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। हाल ही में हुई सूरजपुर की घटना ने एक बार फिर सवाल पैदा कर दिए हैं कि क्या नई सरकार, बीजेपी की नई सरकार, विष्णुदेव साय सरकार, अपराधों पर काबू करने में नाकाम साबित हुई है? क्या अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया? रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की खास रिपोर्ट में देखते हैं छत्तीसगढ़ में 9 महीने में हुए वो जघन्य अपराध जिन्होंने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। देखिए, और उनको सबको मार पीट के घसीटते ले गया और इतना पिटाई के प्रशांत साहू की मृत्यु हो गई। ये मॉब लिंचिंग का केस पूरे देश में पहला होगा जहां 167 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। छत्तीसगढ़ में कभी लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन ये लापरवाह सरकार, विष्णुदेव के निकम्मी सरकार, और उसके चलते आज छत्तीसगढ़ धू धू करके जल रहा है। लोहारीडी में जो पहली हत्या हुई थी उसकी गुत्थी सुलझी है। अब इस पर राजनीति भूपेश बघेल जी को करना था, वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, वो तत्कालीन SP का बयान पोस्ट कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को देखकर पुलिस बता दे कि क्या हुआ है? मई 2024, एक ही परिवार के 4 लोगों को कुल्हाड़ी से काटा। रायगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों को कुल्हाड़ी से काट कर मौत के घाट उतार दिया गया। एक तरफा प्यार में आरोपी ने प्रेमिका समेत परिवार के बाकी लोगों की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घर के पीछे पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जून 2024, बलौदाबाजार में गुस्साई भीड़ ने मचाया बवाल। बलौदाबाजार में सतनामी समाज के मामले को लेकर जमकर बवाल मच गया। हजारों की भीड़ ने कलेक्टर कार्यालय को घेर लिया। कलेक्टोरेट और तहसील कार्यालय में खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। अगस्त 2024, महिला के साथ 15 लोगों ने किया गैंगरेप। रायगढ़ के पुसौर थाना क्षेत्र में 15 आरोपियों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया। 5 घंटे तक महिला को बंधक बनाकर उसके साथ दरिंदगी की। महिला रक्षाबंधन पर घर से रायगढ़ जाने के लिए निकली थी। रास्ते में 15 दरिंदों ने उसे रोक लिया, उसके साथ जबरदस्ती की और फरार हो गए। अगस्त 2024, DPS में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़। DPS रिसाली भिलाई में 12 साल की स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। स्कूल टीचर पर बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा। पेरेंट्स ने स्कूल कैंपस में खूब हंगामा किया। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर परिजन सख्त नाराज थे। स्कूल के दबाव में कई दिनों तक मामला दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने भी मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की। सितंबर 2024, जादू टोना के शक में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में जादू टोना के शक में 11 महीने के बच्चे समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि कुछ समय से आरोपी की बेटी बीमार थी। उसे शक था कि उसकी बेटी पर जादू टोना किया गया है। आरोपी ने जिस पर शक था उसके घर में घुसकर धारदार हथियार और हथौड़े से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सितंबर 2024, बॉलीवुड फिल्म दृश्यम की तर्ज पर राजमिस्त्री की हत्या। सरगुजा जिले के मैनपाट थाना क्षेत्र में 3 महीने से लापता राजमिस्त्री का कंकाल अचानक पानी की टंकी के नीचे दफन मिलता है। ठेकेदार ने चोरी के शक में कर्मचारी की पीट पीट कर हत्या कर दी और दृश्यम फिल्म की तरह लाश को जल जीवन मिशन की पानी की टंकी के नीचे दफन कर दिया। पुलिस को शक ना हो इसलिए मृतक के मोबाइल के टुकड़े कर ठेकेदार ने मुंबई और गोवा भिजवा दिया। सितंबर 2024, कवर्धा जिले के लोहारीडीह में भीषण अग्निकांड। कवर्धा जिले के लोहारीडीह गांव से 5 किलोमीटर दूर
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू नाम के शख्स की लाश फांसी पर लटकी मिली। हत्या के शक में ग्रामीणों ने गांव के ही रघुनाथ साहू के घर को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी ग्रामीणों ने हमला किया, जिसमें एसपी समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस को रघुनाथ साहू का शव जला हुआ मिला। ये मामला अभी तक ठंडा नहीं पड़ा है। सितंबर 2024, जादू टोना के शक में 5 लोगों की पीट पीट कर हत्या। आदिवासी बाहुल्य सुकमा जिले के कोंटा में जादू टोना के शक में 5 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 5 मृतक एक ही परिवार के थे, जिनमें 3 महिलाएं शामिल थी। इस घटना ने सुकमा समेत पूरे छत्तीसगढ़ को दहला कर रख दिया था। अक्टूबर 2024, पुलिस की पत्नी और बेटी की हत्या। सूरजपुर जिले में एनएसयूआई नेता कुलदीप साहू ने हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की तलवार से काट कर हत्या कर दी और लाशों को 5 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग लेकर भीड़ ने उग्र प्रदर्शन किया। गुस्साई भीड़ ने थाने का घेराव किया और एसडीएम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो ये थे बीते 9 महीनों में छत्तीसगढ़ में हुए दिल दहला देने वाले अपराध, जिन पर लगातार जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस अपराधों के खिलाफ न्याय यात्रा भी निकाल चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से अपराधी बेखौफ हो गए हैं। सरकार के इसी प्रकार के लापरवाही के कारण से बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट जला। 15 मई की घटना और 10 जून तक के समाज ये मांग करते रहा कि सीबीआई जांच कराइए, नहीं कि समाज में आक्रोश फैला और ये स्थिति बनी। अभी सूरजपुर का मामला, यदि पुलिस पे हमला किया है तो पुलिस करके आ रही थी, उस आरोपी को पकड़ा क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ में कभी लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन ये लापरवाह सरकार, विष्णुदेव के निकम्मी सरकार, और उसके चलते आज छत्तीसगढ़ धू धू करके जल रहा है। पंडरिया में पहली घटना घटती है जहाँ एक घर जलाया जाता है जिसमें आदिवासी मारे जाते हैं, 2 या 3 उसमें मरते हैं। फिर दूसरा घटना बलौदा बाजार की, फिर तीसरी घटना लोहारीडी की, फिर चौथी घटना सूरजपुर की। ये सारी घटनाएं ये चीख के कह रही है कि सरकार पंगू है। कांग्रेस के आरोपों के जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा कांग्रेस के कार्यकाल में हुए अपराधों की याद दिला रहे हैं। अब इस पर राजनीति भूपेश बघेल जी को करना था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को देखकर पुलिस बता दे कि क्या हुआ है, जांच करने दिया जाएगा कि नहीं, उसके तार्किक आधार, उसके सबूत इकट्ठे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो उनको उसी समय उसका फैसला चाहिए था। अब ये जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए संस्कारों पे कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता अपराधों में संलिप्त हैं। ऐसे ही लोगों को संरक्षण दे देकर 5 बरस चलाया है और ऐसे ही लोग आज अपराधी कृत में हैं। नेताओं की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के इतर वास्तविकता पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ अपराधों की आग में चल रहा है। वहां जिस तरह से अपराध हो रहे हैं उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये कहना ही पड़ेगा कि बीजेपी की साई सरकार अपने 9 महीने के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अभी तक पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।